स्वागत है सभी का फॉरेन तड़का में। मैं हूँ तनुजा। आज की हमारी रेसिपी है कोरियन गोचुजांग। यस, ये अनदर गोचुजांग रेसिपी है जिसमें हमने कुछ चेंजेस किए हैं और इस रेसिपी के लिए मैंने काफी रिसर्च किया है। इसके बाद मैं आपके साथ इस रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम 1 इंच तक अदरक लेंगे, जिंजर, उसके बाद 1 रेड अनियन, ये मीडियम साइज का अनियन है। रेड अनियन से फ्लेवर काफी अच्छा आता है। इस रेसिपी के लिए मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं वो सारे इजीली अवेलेबल हो ऐसे ही है। इसके बाद 1 एप्पल, सीड्स को हम नहीं लेंगे, चाहे तो आप इसे पील ऑफ करके भी यूज कर सकते हो। अगर एप्पल है वो फ्रेश है तो इसे पील ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत पुराना है और कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर आप इसे पील ऑफ करके यूज़ कर सकते हो। इस तरह से हमें इसे कट करना है। इस रेसिपी के लिए आप पियर का भी इस्तेमाल कर सकते हो और कम से कम 3 से 4 टेबलस्पून लहसुन यहाँ पे मैंने लिया है, गार्लिक, इसे हम अभी पीसेंगे। इसके बाद एक पैन में हम लगभग 3 से 4 टेबलस्पून सेसमे ऑयल ऐड करेंगे। अगर आपके पास सेसमे ऑयल नहीं है तो फिर आप ऑलिव ऑयल या फिर कनोला ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होगा तो भी चलेगा। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें हम ऐड करेंगे 1 स्टिक सिनेमन, दालचीनी और 3 से 4 स्टार एनीस, इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। थोड़ा सा इसे सौते करेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे प्यूरे, हीट है वो मीडियम रहेगी, इसे कंटिन्यू आपको चलाते रहना है ताकि ये बॉटम से चिपकेगा नहीं, और जब तक इसका रॉ फ्लेवर नहीं जाता तब तक हमें इसे कुक करना है, इसे टाइम लगेगा। आपको कंटिन्यूसली इसे चलाते रहना है मीडियम टू लो फ्लेम पे, और जैसे ही आप चलाते रहोगे ना तो लगभग 3 से 4 मिनट के बाद इसका कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी थोड़ा बहुत पक चुका है। आप देख सकते हो इसका कलर है अभी भी थोड़ा सा वाइट है और ये अभी भी रॉ है। इसे मैं अभी और 2-3 मिनट के लिए चलाऊंगी। अभी आप देख सकते हो कलर है थोड़ा सा चेंज हो चुका है, तो इसका रॉ फ्लेवर है वो निकल चुका है। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स है, वो मैंने यहाँ पे ऐड किया है 4 चम्मच रेड चिली, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च अच्छे कलर के लिए, और मिर्च का इस्तेमाल है आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है थोड़ा ऐड कीजिएगा। 1 चम्मच सॉल्ट और 2 चम्मच सोया सॉस और 2 चम्मच विनेगर, ये राइस वाइन विनेगर है और इसे फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आता है। अगर आपके पास वाइट विनेगर है तो भी आप यूज़ कर सकते हो, बट थोड़ा सा ब्राउन शुगर ऐड कीजिएगा इसमें, और इसे हम अभी चलाते रहेंगे लो फ्लेम पे। फ्लेम है आपको धीरे धीरे करके मीडियम टू लो पे लाके आपको इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है और इसे कुक करना है। तो थोड़ी देर के बाद ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये अभी रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट, आप देख सकते हो, और ऑयल है वो भी रिलीज हो रहा है। अभी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच मिसो पेस्ट, ये रेड मिसो पेस्ट है, इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। इसके सब्स्टिट्यूट में कोई भी इंग्रेडिएंट अवेलेबल नहीं है, अमेजोन पे बहुत सारे मिसो पेस्ट अवेलेबल है, आप उसमें से कौन सा भी यूज़ कर सकते हो। इसे हम लास्ट में ऐड करेंगे, पहले ऐड नहीं करना है। अगर आप पहले ऐड करते हो तो फ्लेवर थोड़ा सा बिटर आएगा, और इसे कंटिन्यूसली हम लो फ्लेम पे चलाते रहेंगे। ज़्यादा इसे अभी कुक नहीं करना है, 1 या फिर 2 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे, और आप देख सकते हो ये कंप्लीट अभी रेडी हो चुका है और ऑयल भी अच्छी तरह से रिलीज हो चुका है और कलर भी काफ़ी अच्छा है। ये अभी गर्म है, अभी हम इसे ठंडा करेंगे। और सॉस में से है मैं यहाँ पे दालचीनी और चक्रफूल को निकाल रही हूँ। इस रेसिपी के लिए मैंने रेड चिली है वो इंडियन ही यूज़ की है, इससे फ्लेवर में कोई भी चेंजेस नहीं आते, फ्लेवर काफ़ी अच्छा रहता है। इसे अच्छी तरह से आपको ठंडा करना है और उसके बाद ही हम इसमें जार में ऐड करेंगे। सॉस को टेस्ट करना काफ़ी ज़रूरी है, तभी आपको फ्लेवर से वो समझ में आ जाएंगे। इसका टेस्ट है वो रिच, स्पाइसी और थोड़ा सा स्वीट रहेगा। अभी ये प्रॉपर ठंडा हो चुका है, अभी हम इसे जार में ऐड करेंगे। जार को पहले आप अच्छे से क्लीन कीजिएगा, इसे आप फ्रिज में 1 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हो। ओपन करने के बाद 1 मंथ के अंदर ही इसे यूज़ करना है। इसे आप अगर अच्छी तरह से पैक करके रखोगे फ्रिज में तो ये ज़्यादा समय तक भी टिकता है। फॉर सेफ्टी रीज़न मैंने यहाँ पे 1 मंथ बोला हुआ है।
मैंने ऑलरेडी आपके साथ कोरियन चिली पेस्ट का एक वीडियो शेयर किया हुआ है, वो काफ़ी सिंपल है, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। ट्रस्ट मी, इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा है और आपको बहुत अच्छी लगेगी। रेसिपी ट्राई करते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे ट्रैक करना मत भूलिएगा। वीडियो को अभी के अभी लाइक करो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।